तो यह है जी मून शक्ति टेंपल दी पार्किंग। तो चलो जी फिर चलते हैं जी आप। तो साइडां ते दो शेर बैठे हुए ने जी। व्हील चेयर है जी जिहड़े चल नहीं सकते उन्हां वास्ते। देखो जी बहुत सोहना मार्बल राजस्थान तो जिन्ना भी लग्या होया जी। तो ये शिमला हाईवे ते जांदे ही जिहड़ा जी उस तो अगे जी राइट साइड नू जिहड़ा जी 6 किलोमीटर सोलन तो अगे आके राइट साइड नू मुड़ जाना जी। तो फिर आपां नीचे नू उतर जाना तो 6 किलोमीटर 7 अगे है जी। और देख के रूह खुश हो जाती है कि बहुत सोहना टैंपल बनाया। और कह रहे जी हले भी ये बनता ही जा रहा, हले चिल्ड्रन पार्क एक होर बना रहे ने जी। तो ये बैठने वास्ते सिटिंग वास्ते बहुत सोहना कूड़ेदान जगह जगह पर लगे हुए जी। तो हले भी ये बन ही रहा जी, कई चीज़ा ये जड़िया हले होर बन रही ने चिल्ड्रन पार्क वगैरह। तो ये बजरंग बली जी विराजमान। तो देखो जी कितनी सोहनिया चीज़ा बनाई हुई ने जी। इधर आ रहे ने जी यतीश भारद्वाज जी भी। ते आ जाओ जी एक बार तुहानू ये देख के इदा लगेगा कि शायद ये कोई इंसान ही बैठा होया जी और घा गोड़ रहा है, पर ये इंसान नहीं है जी, एक स्टैचू आ जिहड़ा कि पता ही नहीं लगता कि इंसान है कि स्टैचू है जी। एक बार मैं भी चक्कर में पड़ गया था कि ये इंसान है या स्टैचू है, पर ये है स्टैचू ही है जी, ये घास निकाल रहा है, ये इंसान नहीं है, ये कला है एक बड़ी प्यारी सी किसी ने बनाई हुई। तो ऐसे ही ये देखो जी इस पार्क में जो है जी काफ़ी एनिमल बनाए हुए हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ है जी। वाह जी वाह, ये देखिए जी। तो ये इधर नीचे भी कुछ बना रहे हैं ये, और साथ ही ये देखो जी आगे ये नदी चल रही है जी, ये नदी है साथ साथ सारे। ये देखो बहुत ही सुंदर मंदिर, और काफ़ी बड़ा मंदिर है जी। तो वो सामने देखो जी ऊपर बहुत ऊपर जाके जी बहुत बड़ी है ये
दो मूर्ति हैं शिव भोलेनाथ की, ये देखो जी। तो ऐसे ही जी इस साइड में भी है एक, ये देखो जी। तो ये है जी मंदिर। तो ये मंदिर है जी सामने। ये सामने देखो जी, क्या खूबसूरत बनाया जी सब कुछ। दिल खुश हो जाता है जी इन्हों देख के। वाह जी वाह, क्या कलाकृति है जी देखो जी। और वो ऊपर देखो जी, तो खुश हो गया जी यहाँ आके मन। और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो बाकी जो बाहर का नज़ारा जी वो आके दिखाते हैं आपको। तो आप जितना मर्जी इन मूर्तियों को स्टैचू को देखते जाओ जी, आपका दिल नहीं भरेगा। और बहुत ही सुंदर मंदिर है जी ये। तो चलो हम भी करते हैं इसके अंदर जाके ही दर्शन। और जी देखते हैं जी। तो इनके नाम भी साथ साथ लिखे हुए हैं जी। तो बहुत सुंदर है ये। आप देख सकते हैं जी। ऐसे लगता है कि जैसे हम फॉरेन में हैं।
वाह जी वाह। तो आप जब अंदर आएंगे जी तो इतनी की मूर्तियां हैं और भी अंदर कि आप हैरान रह जाओगे कितनी स्मार्ट स्मार्ट बनाई हुई हैं। तो आप इधर भी देखें जी, तो जो लोकेशन है जी वो देखो जी कितनी प्यारी है। तो ये एक महाभारत का सीन है जी, देखिए। तो बहुत ही सुंदर है जी ये मंदिर। तो एक बार फिर आप मेरे पीछे देख लीजिए लोकेशन कितनी प्यारी है जी। तो बिल्कुल हम इस टाइम जो है ये मंदिर में हैं। तो ऐसी है जी मंदिर की परिक्रमा। तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है मंदिर। हर जगह पर छोटी छोटी मूर्तियां बनाई हुई हैं जी। इधर है जी शनि मंदिर। तो इधर के आप दर्शन करें जी। Thank you.
तो ये हैं जी प्रहलाद जी। नरसिंह अवतार में तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं ये इधर की। आप यहां आएंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि हम यहां से जाएं। बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं जी। तो ये जो मार्बल है जी बहुत ज़्यादा ठंडा है, धूप भी पूरी है पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये है जी शिव जी, अग्निदेव फ्रॉम तो ये मंदिर ऐसे लगता है जी जैसे किसी महाराजा का किला हो बहुत बड़ा, और बहुत सुंदर मंदिर है और ठंडी ठंडी हवा है जी। जय शिव भोले भंडारी तेरी लीला परंपार। जय मां शेरां वाली, जय मां मेरां वाली, जय मां जग दियां ज्योतां वाली। करो जी दर्शन माता जी दे। सारी सृष्टि के मालिक भोले शंकर महाराज। पंचमुखी हनुमान जी।
तो आप देख सकते हैं जी, ये अलग अलग लैंग्वेज के देवता हैं। ये इंद्रदेव जी हैं, तो ये हैं जी अश्विनी कुमार, ये टेंपल के दोनों तरफ पार्क हैं और एनिमल काफ़ी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखो, वो आगे हंस बनाए हुए हैं जी, आप इधर देखें। तो सेंटर में भगवान जी की प्रतिमा है, तो इधर देखें, तो ये वही आदमी है जो घास निकाल रहा है, पर है ये स्टैचू है, तो आप ये देख सकते हैं जी। इधर से भी तो दोनों तरफ ही पार्क्स हैं जी इनके। तो ये एलिफेंट और उसका बेबी है जी। तो ये सारा जितना भी मंदिर है जी, इसमें जितनी भी मूर्तियाँ हैं जी, वो सारी संगमरमर की बनी हुई हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिखाते हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये मंदिर के दोनों तरफ पार्क है जी, और बहुत मेंटेन पार्क है। और ये हैं ऊपर जी भगवान शिव जी विराजे हुए। तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं, वो देखो इसके ऊपर एक एलिफेंट बनाया हुआ है जंगल में जाता हुआ। ये देखें, ये एलिफेंट है जी, ऊपर जंगल में जा रहा। तो इधर ऊपर को जाने के लिए रास्ता है जी, तो देखो जी कितना सुंदर है ये। तो चलो जी, मिलेंगे कहीं और लोकेशन पर।
तो लोकेशन तो ये भी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, पर क्या करें, टाइम हो गया और भी कहीं जाना है। तो इधर साइड है जी भंडारा, 1 से 3:30 बजे तक इधर भंडारा चलता है जी। तो चलो जी मिलते हैं कहीं और लोकेशन पर। तो फिर आपसे, अगर तुहानू मेरा ब्लॉग जेड़ा जी वो अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो जी। तो फिर मिलते हैं किसी वधिया जी लोकेशन ते जी।